इंदौर से जयपुर और जबलपुर के बीच चलेगी वंदे भारत ट्रेन। देश की सबसे तेज गति से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के सफर की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। अब मध्य प्रदेश में भी इसके लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। इंदौर से जयपुर और जबलपुर के लिए वंदे भारत ट्रेन चलने का प्रस्ताव भेजा गया है। अगले महीने तक देश की सबसे तेज गति से चलने वाली यह ट्रेन इन शहरों के बीच ट्रैक पर दौड़ती नजर आ सकती है। रतलाम मंडल द्वारा भेजे गए इस प्रस्ताव में बताया गया है कि मंडल की तैयारियां पूरी हैं। जैसे ही अनुमति मिलेगी योजना को मूर्त रूप दे दिया जाएगा। इंदौर रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीना ने बताया कि रतलाम मंडल के द्वारा यह प्रस्ताव भेज दिया गया है, इससे कई शहरों के लोगों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि हमने हमारी तरफ से तैयारियों की पूरी जानकारी देते हुए प्रस्ताव भेजा है। अब केंद्र से कब स्वीकृति मिलती है, आगे की पूरी प्रक्रिया उसी पर निर्भर करेगी। हमने इंदौर से दोनों शहरों के लिए प्रस्ताव भेजा है, क्योंकि तीनों ही शहरों के बीच आवाजाही बहुत है। इसे बहुत कम समय में लोग यात्रा कर पाएंगे और परिवहन बेहतर होगा। मीना ने बताया कि ट्रेन के मेंटेनेंस के लिए भी इंदौर रतलाम मंडल ने ही जिम्मेदारी ली है। जबलपुर में भी तैयारियां तेज। ट्रेन चलने की खबरों के बीच जबलपुर रेल मंडल ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बताया जा रहा है कि ट्रेन के कोच पहले जबलपुर ही पहुंचेंगे। ट्रेन के रखरखाव और मेंटेनेंस के लिए जबलपुर स्टेशन के कोचिंग यार्ड में भी काम शुरू हो गया है। भोपाल होते हुए चलेगी जबलपुर वाली ट्रेन। जबलपुर से सुबह 5 बजे चलकर एटआरसी भोपाल उज्जैन होते हुए 1 बजे तक इंदौर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन दोपहर 3 बजे इंदौर से रवाना होकर इसी रास्ते से रात 10 बजे तक जबलपुर वापस पहुँचेगी।